प्रभु के स्थान पर फिर से बैठाने का काम करेंगे। और उसी दिशा में आज यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ चुके देश है, वहां की यात्रा पर गए थे, वहां से इन्वेस्ट लाने के लिए गए थे। इन्वेस्टरों के मन में जो उत्साह है वह तो आपको आगे जानकारी मिलेगी, लेकिन 7,00,000,000,000 रुपए से आज उत्साह के साथ पूरी दुनिया में भारत का झंडा बज रहा है, नरेंद्र मोदी जी का झंडा अभी योगी जी के नेतृत्व में भी बज रहा है। आज चीन के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है पहचान वहां से उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण उम्मीद का हिस्सा ये नया भारत आत्मनिर्भर भारत। अगर माननीय प्रधान लोग होते वह पाते और हम खरीदते रहते वो बेचते रहते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज मैं कानपुर नगर में सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम में अपने दोनों सम्मानित अध्यक्ष और हमारे सभी माननीय विधायकगण और सब वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। और आज ही भारत रत्न महामना मालवीय जी की भी जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सभी कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलने का काम किया है। क्योंकि दोनों महापुरुषों का जीवन एक अपने आप में आदर्श, जो भी समाज जीवन के अंदर काम करता है, राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए है। और उसी के क्रम में आज का यह कार्यक्रम था और मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम नहीं जिन्होंने एक ट्वीट करके भी ऐसे महापुरुषों को याद करने का काम नहीं किया है। जाएंगे तो अटल जी का कद इतना बड़ा, उनके जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो नेताओं का नाम मैं जरूर इसलिए उल्लेख किया हूँ कि एक कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने तो ट्वीट करके भी जो छोटी छोटी बातों को दिन भर ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं याद करने का काम नहीं किया है। या मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है, देशवासियों के लिए भी आश्चर्यजनक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हुआ तो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता का संस्कार ऐसा है। राजनीतिक दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन किसी के नहीं रहने के बाद उसको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाना, या संस्कार सपा का हो सकता है भाजपा। राजस्थान के सीएम का बयान आया है कि आज देश में डर का माहौल है और बीजेपी लोगों को बांट रही है, यहाँ तक कि उसने राम और सीता तक को बांट दिया। देखिए, जो भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करें। सर, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी इनका नाम लेके, राम सीता का नाम लेके गुस्सा दिलाती है और डर का माहौल पैदा कराती है। नहीं, हम कोई डर का माहौल नहीं, लोग निडर होकर के डरा हुआ है। अगर कोई तो अपराधी डरा है, हत्यारा डरा है, माफिया डरा है, जमीन कब्जा करने वाला डरा, राम सीता का नाम लेके डर पैदा कर। जय श्री राम, जय सियाराम, जय सीताराम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।